हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ह्यूमन करी। आज हम बनाने वाले हैं सूखी अरबी या फिर सूखी खुइया की सब्जी। ये मेरे घर की रेसिपी है। बहुत ही कम तेल मसालों के साथ ये बनके तैयार होती है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये रेसिपी। इस रेसिपी के लिए आपको 250 ग्राम के जितना अरबी या फिर घुया को प्रेशर कुक करना है 2 सीटी आने तक कुकर में। फिर जब एकदम अच्छे से भाप निकल जाए उस पॉइंट पर इसको निकाल लें, थोड़ा सा ठंडा करके इसको छील लें। 2 सीटी से ज़्यादा ना लगाएं, नहीं तो आपकी जो अरबी है वो एकदम से गल जाएगी तो प्रॉपर टेक्सचर नहीं आएगा। अब एक कढ़ाई में आपको 3 to 4 टेबल स्पून के जितना सरसों का तेल या फिर आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, इसमें जाएगा 1/2 टेबल स्पून के जितना। ये अजवाइन मैं ऐड कर रही हूँ, अजवाइन अच्छे से जाती है इस रेसिपी में, तो सिर्फ अजवाइन हम ऐड कर रहे हैं, ज़ीरा वगैरह नहीं जाएगा। हाथों से मसल के आपको डालना है क्योंकि अजवाइन का टेस्ट हाथों से मसलने के बाद और ज़्यादा अच्छा आता है। इसमें मैंने पूरे चॉप किए हुए जो लहसुन है पूरा 2 टेबलस्पून भर के डाला है, आप देख सकते हैं। तो लहसुन अच्छे से डालिए आप। 1/2 टीस्पून के जितना हींग भी जाएगा। लहसुन को थोड़ा सा ब्राउन होने तक हम रुकेंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्ची ऐड कर दी है। आप अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब मैंने 2 बड़े प्याज को स्लाइस करके इसमें ऐड कर दिया है। प्याज को हम ब्राउन नहीं करेंगे, जस्ट थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाइए तब तक भूनेंगे, क्योंकि अभी अरबी डाल के हम इसको और पकाएंगे तो प्याज जल सकती है। अगर आप पहले से ही उसको लाल कर लोगे तो प्याज को बिल्कुल भी लाल नहीं करना है इस पॉइंट पे। बस प्याज जब थोड़ी सी सॉफ्ट पड़ जाए तो उस पॉइंट पे हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने अरबी को उबाल के रखा है वो, क्योंकि ऑलरेडी अरबी पकी हुई है तो इस रेसिपी को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये हमने अरबी ऐड कर दी। अच्छे से मिलाएं। दोस्तों इस रेसिपी में मसाले के नाम पे सिर्फ हल्दी पाउडर मैं ऐड करती हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं जाता मेरे घर पे। आप चाहें तो रेड चिली पाउडर ऐड कर सकते हैं बट नेसेसरी नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें हरी मिर्च ऐड की है, उसका तीखापन सफिशिएंट है। बट अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है आप हरी मिर्ची की भी क्वान्टिटी बढ़ा सकते हैं या फिर आप रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। बट मेरे घर में बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है, बिल्कुल हम लोग लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं खाते तो लाल मिर्च नहीं ऐड करते इस रेसिपी में। हल्दी पाउडर मैंने 1/4 टीस्पून के जितना ऐड कर दिया, आप देख सकते हैं। बस इसको थोड़ा सा आप कढ़ाई में ही फैला दें और इसको कवर करके आपको 5 मिनट के लिए छोड़ना है, ताकि अगर थोड़ा बहुत ना भी पका हो तो अच्छे से पक जाए। बस इस पॉइंट पर हम खोल देंगे। आप देख सकते हैं कि नीचे से आपको तेल दिख रहा होगा लेकिन ये उतना ही तेल है जितना हमने शुरुआत में डाला था, अरबी ने अंदर अब्जॉर्ब नहीं किया। आपको उसी तेल में इसको इसकी नीचे की स्किन इस तरीके से क्रिस्पी होने तक पकाना है, जिससे ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप वापस से इसको दूसरे साइड भी फैला दें ताकि हर तरफ से ये थोड़ा थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। आपको नमक अभी शुरुआत में नहीं ऐड करना है ताकि इसकी जो स्किन है वो क्रिस्पी हो जाए। अगर आप नमक ऐड कर देंगे तो ये क्रिस्पी नहीं होगा, ये मेन पॉइंट था इस सब्जी का। बस जब ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए हर तरफ से आप नमक ऐड कर दें स्वादानुसार। बस आपको 4 मिनट के लिए और पकाना है और ये सब्जी हो गई है आपकी। तो दोस्तों अगर आज की सिंपल हेल्दी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन यानी कि घंटी जैसे साइन को याद से प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। मैं मिलती हूँ आप सभी से एक नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड कीप कुकिंग।